अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये हमारा है वीडियो का टेक थ्री, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी जो है बहुत सारे ब्लंडर्स कर चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी सी भुलक्कड़ हो गई हूँ क्योंकि हमारे एरिया में गैस नहीं है, जिसने जो है हमारी साइकी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाला। तो जनाब, साइकी के ऊपर कैसे असर डाला? वो इस तरह कि बात कुछ कर रहे होते तो हम लोग जवाब कुछ देते और हमारा सारा ध्यान होता है गैस आ गई गैस नहीं, गैस का प्रेशर आ गया गैस का प्रेशर नहीं है, सालन गर्म कर लो जल्दी से, तवा रखो, अगर गर्म हो रहा है तो रोटियां डालो, नहीं तो जी तंदूर से रोटियां ले आते हैं, दूध गर्म करना है कहवा बना के रख लो, वैक्यूम कहाँ पर है उसमें डाल लो। तो मतलब कि आजकल यही चल रहा है, और जो है एक तरह से हो रहा है कि जी स्टोन एज वाला जमाना आ गया है ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम स्टोन एज की तरह घर में लकड़ियाँ जलाएं या कोयले जलाएं तो घर बंद है और एग्जॉस्ट का कोई सीन नहीं है, तो उसका धुआं कहाँ निकालेंगे? तो खैर ये मसले हैं, और ये है हमारा नया पाकिस्तान। तो गैस ना होने की वजह से जो है मैं ले आई थी ढेर सारे बिस्किट, ये बिस्किट खाए जाते हैं तो जी बिस्किट खा कर ही हम लोग जी लेते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ तंग पड़ गई हूँ डेली नान और खमीरी खा के, और इससे जो है मुझे और मेरी मदर को कुछ शिकायत होगी कॉन्स्टिपेशन की। तो अगर आप लोगों के पास कॉन्स्टिपेशन का कोई टोटका है तो वो इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं इतने बहुत सारे कौन कौन से बिस्किट लेकर आई हूँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैं क्रिस्की की शॉप खरीद के लिए आई हूँ। तो सुबह में हम लोग खाएंगे फ्रिस्की रोल एक दिन, और इसमें कितने आते हैं? 6 रोल्स? 8? हाँ, एट इसमें 8 रोल्स होते हैं, ठीक है। एक रोल सुबह में, एक दोपहर, एक शाम। इसी तरह ये फ्रिस्की के ऑरेंज है वेफर्स, ठीक है, इसमें भी 8 पीस होते हैं, ठीक है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ठीक है जी, ये इसके साथ है। फिर दूसरे दिन भी हम यही करेंगे, इसके साथ हम लोग ये वाला फ्लेवर खाएंगे वनीला, और फिर तीसरे दिन भी हम लोग यही करेंगे। तो ये इस तरह हम लोग रिपीट में करते रहेंगे, और ये है कि किसी दिन आ जाएगी गैस तो फिर हम करेंगे घर की चपाती को एंजॉय, क्योंकि हमारे घर के पास जो है पतली चपाती वाला भी होटल है, लेकिन वो उसकी चपाती पे इतना खुशका लगा होता है बंदा खुशका ही ऐसे ऐसे झाड़ रहा होता है। तो अभी हम लोग ये बातें ही कर रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शेयर करूं, तो दरवाज़ा नॉक हुआ, तो मेरी छोटी सिस्टर गई है, तो जो है मालिक मकान का पोता आया और छोटा सा था, कहता है मम्मा कह रही है कि गैस बंद कर दो, मैंने रोटी बानी है। वो मेरी सिस्टर ने कहा हमारे यहाँ तो गैस आती नहीं, हम लोग खाना होटल से लेके आते हैं। तो वो जितना उस बच्चे को बताया था, कहता है क्या, मेरी सिस्टर ने रिपीट किया कि हमारी तरफ गैस नहीं आ रही है, हमारा खाना होटल से आता है, तो मैंने गैस कहाँ से जलानी है, देखो किचन की लाइट ऑफ है। तो उसी तरह जो है ये स्ट्रेट चला गया और अपनी मदर को जाके कहता है आंटी कह रही खाना होटल से आता है, हमारे तो गैस ही नहीं आता। तो सुन के जो है ना मुझे अच्छी खासी हंसी आ गई, कि मतलब इतना क्यूट सा बच्चा और उसको जैसे बताया उसने वैसे ही रिएक्ट किया। तो ये मैं आपको बता रही थी, और उसमें जो है हमारी एक चीज रह गई थी तो वो मैंने आपके साथ करनी थी शेयर। और ये मेरा शॉपर जो है ना इसमें नीचे गिर गया था, तो मैंने हाइपर मार्केट से इतने ढेर सारे फिश की लिए, और तो इन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, और फिर वापसी पर जो है ये मुझे एक फिश के क्रैकर्स नजर आ गए थे, तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं कि कभी फिश खाने को दिल नहीं भी करता है तो बंदा फिश क्रैकर खा लेता है। तो ये मेरे 3-4 दिन का सामान हो गया। तो आप लोग इनबॉक्स में कमेंट करके शेयर करें, अगर गैस नहीं होती है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, बिस्किट खाते हैं या पापड़ खाते हैं? तो यहाँ मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत, अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, मुलाकात होती है नए वीडियो नए व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।